हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का अध्याय 15, मैं भी। तो इसमें एक बतख होता है और एक मुर्गी का बच्चा चूजा होता है। तो बतख का नकल करता है, जो चूजा होता है वो नकल करता है और लास्ट में उसे पछताना पड़ता है अपनी नकल करने पर। देखिए क्या है, एक अंडे में से बतख का बच्चा निकला, लो मैं अंडे में से निकल आया, बतख का बच्चा बोला। तो एक अंडा है इधर, अंडे में से बतख का बच्चा निकला, बोलता है लो मैं अंडे से निकल आया। बतख का बच्चा बोलता है कि मैं अंडे से बाहर आ गया। और एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा, एक दूसरा अंडा होता है इधर, तो उसमें से बोलता है एक और अंडे में से मुर्गी का बच्चा, मुर्गी का चूजा सॉरी, निकला, मैं भी आ गया, चूजा बोला। जैसा ही बतख के बच्चे ने बोला, सेम उसी तरह जो मुर्गी का बच्चा है उसे चूजा कहते हैं। तो इस चूजे ने कहा कि मैं भी निकल आया, ऐसा चूजा बोला। तो मैं घूमने जा रहा हूँ, बतख का बच्चा बोला। तो बतख के बच्चे ने कहा कि मैं घूमने जा रहा हूँ और मैं भी चलूंगा, चूजा बोला। तो सेम उसकी नकल चूजे ने करी कि मैं भी चलूंगा। तो फिर उसने आगे कहा कि मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, बतख का बच्चा बोला कि मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, अपनी नुकीली चोंच से गड्ढा खोद रहा है। उसने कहा कि मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, तो बतख का बच्चा ये बोला तो मैं भी खोदूंगा, चूजा बोला। उसकी सेम नकल उसने करी कि मैं भी खोदूंगा, चूजा बोला। तो मुझे केचुआ मिला, बतख का बच्चा बोला मुझे भी, चूजा बोला। अब यहाँ पे केचुआ है, मिट्टी, जो मिट्टी को उर्वरा बनाता है, उपजाऊ बनाता है। तो ये एक बतख ने चूजा पकड़, ये केचुआ पकड़ रखा है और वो बोला, चूजा जो है वो बोला मुझे भी बतख का केचुआ मिला। तो मुझे केचुआ मिला, बतख का बच्चा ये बोला, तो सेम उसकी कॉपी चूजे ने करी कि मुझे भी। तो मैंने एक तितली पकड़ी, बतख का बच्चा बोला कि मैंने एक तितली, बटरफ्लाई, वो बोले कि मैंने एक तितली पकड़ी, यहाँ पर पकड़ी है तितली। तो मैंने भी तितली पकड़ी, चूजा बोला। तो इधर चूजा जो मुर्गी का बच्चा है उसने कहा कि मैंने भी तितली पकड़ी, तो उसी की वो नकल कर रहा है। तो बोला कि मैं तैरना चाहता हूँ, बतख का बच्चा बोला। बतख पानी में तैर सकता है क्योंकि वो मछली खाता है पानी से, लेकिन चूजा नहीं तैर सकता है। तो उसने कहा कि मैं तैरना चाहता हूँ, बतख का बच्चा। तो उसने कहा चूजे ने कि मैं भी, देखो मैं तैर रहा हूँ। बतख ने कहा कि बतख तैर सकता है पानी में, तैर रहा है यहाँ पर। तो उसने कहा देखो मैं तैर रहा हूँ, तो बतख का बच्चा बोला कि मैं तैर रहा हूँ और मैं भी तैरूंगा, चूजा बोला। चूजे ने भी छलांग लगा दी, उसने कहा कि मैं भी तैरूंगा। अब फिर थोड़ी देर में बचाओ, चूजा डूबते हुए चिल्लाया, अब उसको तैरना नहीं आता है। तो क्या बोला कि मुझे बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ करके चिल्लाया वो। और बतख ने बच्चे को बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। जो बतख था उसने वो चूजे को पानी से बाहर निकाला क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था और वह डूब गया। अब इस सुहानी नाम की एक बिल्ली है इसमें, वो कह रही कि आगे क्या हुआ होगा। तो क्या हुआ होगा आगे, आगे यही हुआ होगा, एक तो चूजा पछता रहा होगा कि किसी की नकल नहीं करना चाहिए और बतख भी उसको समझा रहा होगा कि ऐसा करना गलत है, जो जैसा करता है वैसा नहीं करना चाहिए। तो आगे है नाम दो, चूजा बार बार बतख के बच्चे की नकल करता रहता था, उसे चिढ़ाने वाला एक नाम दो। अब उसको बार बार नकल कर रहा था ना वो बतख की, तो उसको एक चिढ़ाने वाला नाम देना है। तो क्या आएगा, नकलची चूजा, नकल करता है तो क्या आएगा, नकलची चूजा। अब इसमें है क्या डूबेगा और क्या तैरेगा, पानी दे रखा है एक टब में और यहाँ पर चौक डूबेगा, पत्ता तैरेगा, पत्थर डूबेगा और टहनी भी तैरेगी क्योंकि टहरी है। और करके देखो और निशान लगाओ, यहाँ पर एक साइड में चीजें दे रखी हैं और एक में क्या डूब सकता है और क्या तैर सकता है, चौक डूब जाएगा और पत्थर भी डूब जाएगा, रुई, रुई हल्की होती है तो तैरेगी, कागज भी तैरेगा और टहनी भी तैरेगी, और पेंसिल, पेंसिल भी लकड़ी की बनी होती है तैरेगी, और छिलनी, छिलनी छिलनी तैरेगी, अगर प्लास्टिक की है तो तैरेगी, नहीं तो अगर भारी लोहे की है तो डूब भी सकती है। तो ये तो रहा हमारा लेसन, थैंक यू।